नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व युवा नेता बंटी पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। बंटी पटेल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। चौरई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था बंटी पटेल ने, कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर नाराज थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस के नेता बंटी पटेल अब बीजेपी के हो गए, पार्टी को छोड़ दिया है और साथ ही बीजेपी की सदस्यता ले ली है। चौरई से टिकट ना मिलने पर आजाद ही उम्मीदवार चुनाव लड़ा था बंटी पटेल ने और अब नाराज होकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और एक बार फिर यहां पर सेंध लगी है। तो एक के बाद एक नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पार्टी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के हमारे वहाँ के भाई बंटी पटेल और कई जनपद, जिला पंचायत और कई सरपंचों ने आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज हम सब ने माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा भाई साहब, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भैया बंटी साहू जी, इनके नेतृत्व में आदरणीय बड़े पिताजी ठाकुर दौलत सिंह जी, सौरभ ठाकुर जी, इनके नेतृत्व में आज हमने भाजपा का दामन थामा है। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी, हरदा, हादसा, अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए टियर गैस भी छोड़ी, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और दूसरे नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। विक्रांत भूरिया के साथ कांग्रेस के दो पदाधिकारियों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया और इन्हें जेल भेजा। अगर इस सरकार ने 2 लाख नौकरियां और हर घर को रोजगार देने की बात कही और ऑनलाइन जुए के कारोबार को लीगलाइज कर दिया, क्या अभिभावकों ने इस नाम के वोट दिए थे कि जुआ खिलवाओ हमारे बच्चों को? तो ये जुए सट्टे की सरकार का विरोध है। मध्य प्रदेश का युवा हर स्तर पे करेगा, हर बार करेगा और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सट्टे में बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज सदन में लेखानुदान सर्वसम्मति से पास हो गया। इससे पहले राम निवास रावत ने संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लिया। सदन में शून्यकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने सवाल रखे, इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। लेखानुदान पर चर्चा हुई, जिस तरह से प्रदेश की जनता पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है और वो अपनी बाई बाई करते जा रहे हैं। लेखानुदान में जो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें साइड कर दिया, जिनकी वजह से सरकार आई, उनकी सारी घोषणाओं को एक तरफ उठा के रख दिया। मध्य प्रदेश में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के विरोध में वॉकआउट किया। विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने का प्रावधान है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस संशोधन से जुए और सट्टे को बढ़ावा मिलेगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस विधेयक में संशोधन होने से महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों पर रोक लगेगी।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि इससे युवाओं को लत लगेगी, सरकार सिर्फ अपना खजाना भरना चाहती है। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं को जांचने के बाद ही संशोधन विधेयक पारित किया है। कहा कि विपक्ष को हर बात पर वॉकआउट करने की आदत पड़ गई है। इस बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है जो इसको संरक्षण दे रहे हैं और उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, प्रदेश के युवाओं के साथ। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। सरकार अपना खजाना भरना चाहती है, आत्मनिर्भर प्रदेश को नहीं चाहती है, ये सट्टे से आत्मनिर्भर बनना। देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने आज जो बिल लेकर आए हैं उसमें मुझे लगता है कि सारे पहलुओं पर विचार करके ही इस प्रस्ताव को वो लेकर आए हैं जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। ऐसी कोई घटना घटी तो विपक्ष का कहना है नहीं, सारे पहलुओं पर विचार किया है मैंने बताया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही अखिलेश यादव को घेरने का प्लान बनाया है। सीएम डॉक्टर यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव के गढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की है और सीएम डॉक्टर यादव की इसमें अहम भूमिका है। मोदी लहर में भी जो आजमगढ़ बीजेपी की पहुंच से दूर रहा, उस आजमगढ़ का किला फतह करने के लिए अब सीएम मोहन यादव मैदान में उतरे हैं। सीएम आजमगढ़ पहुंचे और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। माना जा रहा है कि वो जल्द ही लोकसभा चुनाव में यूपी में चुनाव प्रचार भी करेंगे। बीजेपी की इस चाल को यूपी में अखिलेश यादव की काट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ जुड़ा हुआ है उसमें सेंध लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। वही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने INDI गठबंधन पर भी हमला बोला। कहा कि इंडी अलायंस सिर्फ शिगुफा है, कहीं कीट कहीं करोड़ा, स्वार्थी लोगों का जमावड़ा लंबा नहीं चलता। कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ना ये भूतन भविष्य पहले ही असंभव था, तो ये आखिरकार स्वार्थ के लोगों का जमावड़ा लंबे दिन तक चलता नहीं है। केवल एक सगुपा था जो सबके सामने दिखा है, चाहे ममता जी हो चाहे आप पार्टी हो, हर एक ने अपना अपना रास्ता पकड़ लिया है। अब कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव बना सकती थी और कांग्रेस ने अपने सारे यत्न प्रयत्न करके खुद की सत्ता बनाने का षड्यंत्र रखा था और मुझे पूरा पहले से भरोसा था और अब जनता ने देख लिया कि उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी हालांकि मौन है। आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल स्थित बंगले पर कांग्रेस के विधायकों को डिनर पर बुलाया है। राज्यसभा चुनाव से पहले इस डिनर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में पूर्व सीएम ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। राज्यसभा की बात करें तो कमलनाथ के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव सहित कई नेता भी दावेदारी जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि डिनर के दौरान कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने पर मंथन हो सकता है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है, कहा कि वो हर साल ही विधायकों को खाने पर बुलाते हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये परंपरा बनी हुई थी, कई विधायकों ने कहा इसे आपने बुलाया नहीं, कोई मेरी बातचीत किसी से बातचीत नहीं। मैंने सोचा बड़ा प्रदर्शन करेगी आज। एक राज्यसभा सीट के लिए कहीं कोई डिनर पॉलिटिक्स का काम कर रहा है, कहीं कोई सोनिया जी को निमंत्रण दे रहा है, कहीं कोई भाजपा नेताओं को आमंत्रित करने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में नेताओं का टोटा है और जिस तरह से ये भाजपा के नेताओं को बोल रहे हैं कि इंदौर से चुनाव लड़ लो,
कभी ये अपनी डिनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी राज्यसभा में जाना चाहते हैं, इधर से जीतू पटवारी उमंग श्रृंगार जी सोनिया गांधी के लिए बोल रही है, तो ये जो उनकी लड़ाई है वो सतह पर दिखने लगी है, ऊपर तक दिखने लगी है। मुझे लगता है कि जो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस हम बोलते थे, जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस हम बोलते थे, वो उसको निश्चित रूप से उस पर मोहर लगाने का काम कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, 8 सीट पर यूथ कांग्रेस के नेताओं को टिकट मिलेगा। लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50% से ज्यादा हम 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे, ये याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 50 साल में युवक कांग्रेस की सीमा पार हो जाती पर उससे आदि 16 में से 8 सिर्फ युवक कांग्रेस के साथियों को ही लोकसभा का टिकट मिलेगा, ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। जबलपुर में व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के पालन पर सुनवाई हुई, सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट रहा, कोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर अवमानना का केस, प्रदेश के एडीजीपी ट्रैफिक पर भी अवमानना का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है, क्या अक्षम अधिकारियों के बूते आगे बढ़ेगी सरकार, 15 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बात मंडला की, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, ऐसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, बाइक सवार 1 युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिला अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। रामनगर के पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। डिंडौरी में राठौर समाज के लोग जनसुनवाई में पहुंचे और 150 साल से सामाजिक बहिष्कार की बात इन लोगों ने कही। कलेक्टर से धर्मांतरण की अनुमति मांग रहे थे ये लोग, कहा 7 पीढ़ी से समाज के लोगों का बहिष्कार हो रहा है, धनुआ सागर की रहने वाले हैं लोग, कलेक्टर ने समझाया भी और इनके गुस्से को शांत करने की कोशिश भी की। अगली बड़ी खबर हरदा से आपको बता रहे हैं, जहां हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में अपडेट है, 7वां आरोपी गिरफ्त में आ गया है, खाते गांव से आयुष गर्ग की गिरफ्तारी हुई है। तो 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, अब 7वां आरोपी भी गिरफ्त में आ गया है। ये हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट, जो 7वें आरोपी गिरफ्तारी हुई है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरदा में जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 10 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और ऐसे में ये पाया गया था तफ्तीश में कि यहाँ लगभग हर दूसरे घर में पटाखा बनाने का सामान रखा हुआ था, ऐसे में जो विस्फोट है वो बहुत ही भयावह हो गया था।